फास्ट ग्रोइंग हो जाती है इसमें, और सोइल बोन डिजीज नहीं होते, इंसेक्ट पेस्ट नहीं लगते। इसमें जैसे ये नॉन सर्कुलेटेड है, इसमें सिर्फ स्टैंड फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं। आप एक सिंपली आप अपने घर पे उगा सकते हो, घर पे बाहर अपने छत पे कहीं पे भी। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट, थोड़ा टेक्निक्स है इसमें, पीएच वगैरह इसी मेंटेन करना पड़ता है, वो थोड़ा अलग है। और कुछ पूछना है तो पूछूंगा। सीड लेवल पे अलग होता है सीड, सीड लेवल पे इसी में पहले से इसमें नहीं नहीं पहले सीडलिंग तैयार करते हैं हम। देखो उधर पीछे की तरफ एक ब्लैक कलर की कोकोपीट, उसमें परलाइट एक मिक्सचर होता है जो कि सीडलिंग ग्रो करते हैं। उसमें सीड ग्रो करने के बाद टू लीफ स्टेज आती है, तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं इसमें। जो वाटर में सर्कुलेटेड और नॉन सर्कुलेटेड एक बार फिर से बता दीजिए। सर्कुलेटेड में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स है ये वाली, है ना। एक एरोपोनिक पीए उधर, जिसमें क्या है कि जो रूट है एरो हवा में होती है, स्प्रिंग करता है वो, उधर आप देख सकते हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट सर्कुलेटेड, यानी अपने पानी है। इसमें एक पंपिंग मशीन है, पंपिंग मोटर जो इस पे पंप कर रहा है, इसमें जो पानी जा रहा है तो उधर से सर्कुलेटेड होकर वापस रिजर्वर जो टैंक है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट डाले हुए हैं उसमें आ जाता है। ये तो सर्कुलेटेड है, ये नॉन सर्कुलेटेड है सिंपल। इसमें हम पानी को डाल देते हैं, सिंपल रूट आते ही। न्यूट्रिएंट के कंटेंट पर कितने देते सर? 2.5 ml/10 L। जो ये कि हॉगवर्ड मीडिया है, साइंटिस्ट है जिनने उन्होंने ये बनाया था, अभी प्राइवेट कंपनी ने बना के, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे केयर करना पड़ता है थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं जर्नल हाइड्रोपोनिक मीडिया। यील्ड कैसा है सर? यील्ड क्या है, जैसे अपन जैसे फील्ड में लगाते हैं ना सोइल में, उससे हाफ डे में यहाँ पे आ जाता है। जैसे हमने पालक आपने वहाँ पे 30 डेज में आएगा, तो यहाँ 60 डेज में आएगा, 30 डेज में आएगा हाफ में। साइज उसकी सिमिलर ही आ जाता है, अपने को टाइम शॉर्ट में मिल जाता है। इसका एडवांटेज थोड़ा बता दीजिए हमको, जो हम सॉइल में ग्रो करते हैं या हम हाइड्रोपोनिक में ग्रो करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस या वेजिटेबल साइज क्या रहते हैं? आगे जाके भी कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग हमें जल्दी हो जाते हैं इसमें उसमें? इसके एडवांटेज क्या है कि जैसे अपने पास कम लैंड है यहाँ पे, आपको पता ही है लद्दाख में बहुत लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो कम जगह में अपन बहुत ज़्यादा मोर क्रॉप उगा सकते हैं कम सीजन में। और इसमें जो सोइल वाले होते हैं उसमें क्या है कि सोइल बोन डिजीज वगैरह वो बहुत होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा लगते हैं, उसमें इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। हम इसमें लिमिटेड वाटर में हम बहुत खेती कर सकते हैं कंपेयर टू सोइल कल्टीवेशन का। सोइल वाटर में डिकम्पोज नहीं नहीं इसको सिंपली रूट आ रही है, इसमें डिकम्पोज कहाँ हो रहा है। इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए, वो रूट ग्रो कर रही है, उसमें अपटैक कर रहा है प्लांट, अपने ग्रोथ कर रहा है सिंपली। सोइल रिलेटेड डिजीजेस नहीं आते हैं, मगर वाटर रिलेटेड आ सकते हैं? वो वाटर वाले नहीं, क्योंकि जो वाटर है फ्रेश है, बोरिंग से हमने दिया है, उसमें डिजीज तो हो ही नहीं सकता ना। इसमें क्या है कि पीएच वगैरह एंड मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो नहीं होता वो। सो वाटर बॉन्ड डिजीज कोई नहीं होता, सोइल बॉन्ड डिजीज होता है अधिकतर। वाटर में यूट्रोफिकेशन तो नहीं होता? नहीं, क्योंकि हमने जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना प्लांट्स को, जिसका एक ppm रेंज है, जैसे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जितना हमें चाहिए उस प्लांट को न्यूट्रिएंट उतना ही प्रोवाइड किया है। हमें नाइट्रोजन जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करा है, हम ज़्यादा कराएंगे तो यूट्रोफिकेशन होगा। ये बड़े लीफ सूख रहे और ये है कि अभी ट्रांसप्लांट किया है मैंने, वो वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगाया, ठीक है। जैसे तो बड़े लीफ तो सूख रहे ना, इसका क्या रीजन? ये क्या है कि अभी ट्रांसप्लांट किया ना। हाँ सर, क्योंकि अगर उसका सीजन हमें इसको पहले करता ना मार्च में, तो ये नहीं होता, क्योंकि उस टाइम ये डोरमेंट था, तो उसके बाद ये रूट आती, ये आती लीफ न्यू, ये पहले आ गई, तो मैंने थोड़ा 15 दिन लेट हो गया, तो इस वजह से न्यू लीफ आ रही है जो पुरानी वो डैमेज हो जाती है, सूख जाती है। ये तो आपको पता ही होगा यहाँ पे।
ये किले किले मिट्टी मिट्टी का वो गोल सा बना रखा है। क्यों इसमें हम विंटर में ये कंट्रोल है, इसमें हीटिंग वगैरह है, तो विंटर में अपना खूब मतलब वेजिटेबल ग्रोथ। इसमें एक प्लांट इसमें 90 ग्राम तक पालक आया है हमारे एक ही इससे और ये सोइल का बना हो तो इसके जरिए भी आ सकता है ना सोइल डिजीज। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है, ये सोइल से नहीं है। ये क्या है कि अपने जो किले होता है उसको ऐसे राउंड करके उसको हीट पे गर्म करते हैं 1000 डिग्री वगैरह, उसके बाद ये कलर चेंज करता है। ये कुछ नहीं है, सिंपली एक मिट्टी है।